उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव प्राथमिक विद्यालय के परिसर में पड़ा मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। दरअसल मामला बलिया जिले के थाना इलाके के उभाव गांव का है, जहां चकिया प्राथमिक विद्यालय के परिसर में मंगलवार की सुबह 24 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर की गई है। वहीं पुलिस ने फिलहाल मृतक की प्रेमिका और उसके भाई को हिरासत में ले लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। अब 8-9 बजे ना घर से खा के आदमी निकली। अच्छा, हाँ। क्यों बुलावा उस समय? कोई बुलाया था? नहीं, घर से क्यों बुलावले नहीं। हाँ, वो बुनी के बुलावे के हम नहीं की जाने। अच्छा, ये घटना कब हुई है? हमने कहा सवेरे की पार जल ले जा, हम कोई क्यों नहीं बना ताले में लई का कुल मछली मारना सब वही को न किले कर दे। अच्छा, हाँ, तो सवेर भई ल तो कुल ने बूढ़ गई ना मुंह धोवे तो देख ल तो इतर बैठोले माने। अच्छा, और लाश कहां मिली आपको? स्कूल में। कौन सा स्कूल है वो? प्राइमरी स्कूल है। क्या आपने पुलिस को सूचना दिया है? थाना उभाव पर सूचना प्राप्त हुई कि राजा राजभर नाम का एक 25 वर्षीय युवक मृत अवस्था में प्राथमिक विद्यालय में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दो लोगों को, जिन पर उसकी हत्या का शक है, उनको हिरासत में लिया गया है और अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।